700 ईयर्स पुराना वाकया है या उससे भी कम, 6 साल पुराना मशहूर वाकया मियामी का, कराची मियामी का, और सीधा एक सेकंड में कार लेफ्ट में मुड़ी एंड सीधा बीच, बीच में जर्सी गए, पानी उनके डोर से आ गया, ही स्टॉप द कार, ब्रेक कर, गाड़ी रुक गई, कार रुक गई, वाटर बीच का पानी इनके डोर तक, हाफ डोर तक आ गया। जो कंस्ट्रक्शन लेबर था वो भागते हुए आए, आने के बाद ये ड्राइवर सीट पे बैठे हुए थे, इन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि बेल्ट को खोलो, एंड लेबर से कहा कि इनको अलग करो, और बेटे का बेल्ट भी खोला गया, बेटा और वाइफ दोनों को लेबर ने बाहर निकाल दिया, पानी से बाहर निकाल। अब इनको गाड़ी लेके पीछे आ रहा था, नथिंग एल्स, उतरे, अब इन्होंने जैसे ही गेट डाला गाड़ी सीधा नीचे चली, 20-30 मीटर नीचे चली, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। आप इसमें दो चीजें, पहली चीज कि वहां स्पॉट पर पहुंचे, हो सकता तीनों मारते लेकिन गाड़ी रुकी, दो को अल्लाह को बचाना था, प्लीज वर्सेस, दो को अल्लाह को बचाना था, वाइफ को बेटे को, उसको निकाल दे। मौत किसकी थी? इस बंदे की थी। अब मैं आपसे ये सवाल कर, मैंने वहां बोला था ये बात कि ये मोमिन पे लकी है कि इसने इमामबाड़ा गया, इमामबाड़ा से रिटर्न में इसकी डेथ हुई, लास्ट जो गजा खाई, जो फूड लिया डिनर, वो नियाज हुसैन था, पेट में जो लास्ट डाइट गई उसकी नियाज हुसैन थे, मौला हुसैन की नियाज थी। और ये जो लकी है कि इमामबाड़ा से आया थर्सडे नाइट, बहुत बड़ी मौत होगी थर्सडे नाइट, और सीधा नीचे चला गया, इसकी मौत थी। आप ये मंजूर बोल कि जब ये घर से निकले थे क्या इन्होंने सोचा था कि आखिरी दफा निकल रहा हूं, लास्ट टाइम निकल रहा, कभी सोचा भी नहीं था। जब इमामबाड़ा से मस्जिद करके बाहर निकल रहा था क्या उसने ये सोचा था कि मैं ये लास्ट टाइम है, कभी इमामबाड़ा में नहीं आऊंगा, मॉस्को नहीं आऊंगा, कभी नहीं सोचा, ये सोच भी नहीं सकता था कि मेरी मौत होने वाली है, मैं जा रहा हूं, I'm going to die now. ये हम सब के साथ होने वाला है, आपके साथ, मेरे साथ, सबके साथ होने वाला है। मौत को मामूली बोलते हैं कि सीने से लगा के चल, don't get scared, मौत बोलते मौत से डरो मत, मौत खुद तुम्हारी हिफाजत करती, ये मत बोलो कि यार ये मस्जिद में डराते हो, ये तो शुक्र अदा करो, से थैंक यू टू अल्लाह कि की somebody saying, ये शुक्र अदा करो अल्लाह का कि अल्लाह कि कोई बोल रहा तुम, somebody saying, ये बोलो कि मौत के बारे में कोई सोच सकता, यू कैन इमेजिन के कब आने वाली, हम सोच भी नहीं सकते, वी कैन नॉट थिंक कि मौत कब आएगी, कभी नहीं आ सकती। अब आप सोचो कि ये बंदा कभी वाइल्डेस्ट ड्रीम में इसने नहीं सोचा होगा कि मैं घर से निकल रहा हूं, ये लाश दे मेरा मगरिब की नमाज पढ़ा, मेरी लाश ना मारा, यंग आदमी है 40-45 साल का, 40-45 ईयर्स का, सोचो 40-45 ईयर्स का, कभी सोच नहीं सकता था कि मैं इमामबाड़ा से आऊंगा तो बीच में चला जाऊंगा, मेरी कार नीचे चली, ये है लाइफ। इस लाइफ के लिए हमारा प्रिपरेशन क्या है, ये लाइफ एंड होगी, तुम्हारी फर्स्ट नाइट शुरू होगी जब तुम ग्रेव में जाओगे, तो मौत से कभी घबराना नहीं, ऑलवेज यू हैव टू थिंक कि पता नहीं जब भी रात में सो, व्हेनेवर यू गो टू योर बेड, तो आप खुद बोलो जब बिस्तर पे जाते हो तो कभी सोचते हो कि मैं आराम से सो जाऊं, सुबह नहीं उठ, अगर सुबह नहीं उठा तो क्या होगा, कोई गारंटी है लाइफ की? हो सकता रात में कार्डियक अरेस्ट हो जाए, तुम खत्म हो जाओ, हम कभी सोचते, हमारी प्लानिंग 100 ईयर्स की है नजर में, रात में मैंने आई गो टू बेड, आई प्लान माई सेल्फ, आई मेक माई स्केड्यूल कि टुमारो आई गॉट दिस मीटिंग, $1 million की मीटिंग है, मैं बहुत खुश हूं, आई एम सो हैप्पी कि टुमारो आई एम गोइंग टू साइन दिस एग्रीमेंट। सुबह में तुम्हारी वाइफ तुमको उठाई, तुम उठ रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है, सबके साथ है, With everybody. मौत कोई एज के लिए नहीं होती कि यू कैनॉट से आई एम टू यंग, मुझे क्या मौत आएगी, नहीं, कभी भी आ सकती।
सर, अल्लाह ने मौत का कोई टाइम दे रखा वो हमारे हाथ में भी है, वो आगे आएगी बात। तो आप ये बोलोगे मुझे कोई पता ही, मैं कब होगा, कब मेरी मौत आएगी, नोबडी नोस। क्या मैं आपसे सवाल करता, पूरे इमाम वाला हैदरी के दिल में मुझे सुन रहा, टेल मी नाउ, हमने कोई प्रिपरेशन किया? डिड यू प्लान योरसेल्फ कि अगर कल मौत आ जाए और मेरी सेमेट्री में मैं जाऊंगा, मेरी फर्स्ट नाइट शुरू होगी, मैं पूछ रहा सारे सुनने वालों से कि तुमने कोई प्लान किया है? डिड यू प्लान एनीथिंग? अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझा, प्लीज गौर से सुनो। अगर आप लंदन से, यूके से, आपको कहीं ट्रैवल करना है किसी सिटी में, किसी कंट्री में, प्लीज गौर से सुनो। मैं एग्जाम्पल है, आज फर्स्ट मंडी से कल तक आपको खाली तैयार करूंगा कि वहां पहुंचने के लिए तैयारी क्या, प्रिपरेशन क्या। मैं आपसे एग्जाम्पल से बात कर रहा हूं कि आपको एक डेज के लिए कहीं वेकेशन पे जाना है या कोई ऑफिस की मीटिंग है, आपको 8 दिन के लिए किसी ऐसी कंट्री में जाना है कि जहां पर, जिस कंट्री में आप कभी गए नहीं, फर्स्ट टाइम जा रहे, यू आर गोइंग फर्स्ट। सो व्हाट यू डू इन लंदन व्हेन यू प्लान योर वेकेशन, आज के जमाने में कोई कैसा जाएगा, सबसे पहले नेट पे जाएगा, उस कंट्री के बारे में मालूम करेगा कि वहां का टेम्परेचर क्या है। अगर लंदन में विंटर है तो हो सकता है समर, या लंदन में समर है तो हो सकता है विंटर। क्लोथ्स के बारे में चेक करेगा कि कौन से कपड़े लेके जाए। सेकंड चीज क्या चेक करेंगे, करेंसी कौन सी चलती है। हो सकता है मैं यहां से पाउंड लेके जाऊं, या इंडिया पाकिस्तान से तो जा रहा है तो रुपया लेके जाओ, और वहां रुपया ना चले। मैं करेंसी चेक करूं, टेम्परेचर चेक करूं। थर्ड चीज, किस होटल में रहूंगा, 8 दिन किसके पास रहूंगा, वो चेक करो। फिर खाना पीना क्या मिलेगा वहां पे, मेरे हिसाब का खाना मिलेगा, जैसा मैं डाइट लेता हूं वैसा मिलेगा, या उनका फूड बिल्कुल, इसलिए हर कंट्री का फूड अलग है, इंटरनेशनल क्विजिन अलग चीज, हर कंट्री का फूड अलग। तो मैं ये चेक करूंगा कि मैं वहां जब पहुंचू तो मेरे इस सारी चीजों को चेक करके देन यू प्लान योर सेल्फ। प्लीज प्लीज वॉसेस देन यू प्लान योर सेल्फ कि मुझे जाना है। अब मैं आपसे पूछता कि 8 दिन के लिए मैं जा रहा हूं, जस्ट आई एम गोइंग फॉर 8 डेज, और 8 डेज के लिए ऐसा नहीं कि मैं वहां पहुंचू और मेरे पास वहां पर गर्मी हो जाए, समर है और मेरे पास सारे विंटर क्लोथ तो चलेगा, या वहां पर विंटर है मैं समर क्लोथ लेके जा। हर चीज प्लान कर यू गो देयर 8 डेज के लिए, 8 दिन के लिए, एंड यू नो कि मुझे 8 दिन में वापस आना है, मेरे पास टिकट है, रिटर्न टिकट है। लेकिन 8 दिन के लिए तुम इतना प्लान कर रहे हैं, जहां एटर्नल लाइफ है उसकी प्लानिंग कितनी, डिड यू प्लान एनीथिंग। कितना इंसान गफलत में, इग्नोरेंस में, हम सुनने ही नहीं चाहते, मजलिस वी डोंट वॉन्ट टू नो अबाउट डेट लाइफ, क्यों नहीं जानना चाहते, बिकॉज वी आर स्केर्ड। हम समझ गए यही दुनिया बेस्ट है, यहां पे रहना इख्तियार में नहीं है मेरे इख्तियार में नहीं, मेरे पावर में नहीं है यार, उसकी ताकत है, वो जब चाहे आपको बुला लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, पूछेगा नहीं, मलकुल मौत पूछ के नहीं आता, अकेले अकेले टेलिंग द सेम थिंग, मलकुल मौत जब आता है तो पूछ के नहीं आता, ही इज नॉट गोइंग टू आस्क कि शराय काम कभी पूछता है हमारे को, वो सिर्फ एक दरवाजे में रुका, किसी दरवाजे में नहीं रुकता। आप समझ गए किसका दरवाजा, मौला हसन मौला हुसैन की मजलूम मां का दरवाजा, ज़ौजाए अमीर मोमिनीन बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का दरवाजा, रसूल का बीबी खदीजा की बेटी का दरवाजा, 11 इमामों की मां का दरवाजा, शहजादी ज़ैनब शहजादी उम्मे कुलसूम की मजलूम मां का दरवाजा, उस डोर पर रुका था, कहीं नहीं रुका। मालूम है मां को कभी कभी वो किसी के भी घर में जाता, कहीं भी जाता, वो कभी रुकता नहीं, वो पहुंच जाता। तो आप ये बोले ना मालूम मां, ही डोंट टेक परमिशन फ्रॉम यू, देन वी हैव टू प्रिपेयर आवर सेल्फ। ना मैं आपसे पूछ रहा कि 8 डेज की ट्रैवलिंग के लिए डोंट यू प्लान योर सेल्फ, डोंट यू चेक योर सेल्फ, तुम पूरी प्लानिंग करके लेकर जाते। मैं आपसे पूछ रहा कि हमने क्या प्लानिंग किया, आप एक सूटकेस लेकर जाते,
यू कीप दिस 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 थिंग्स के बाद ये काम आएगा, ये काम आएगा, ये काम आएगा, क्लोथ्स, दूसरी जितने आपकी जरूरत की चीजें सब रखते हैं। आपका सूटकेस कितना तैयार है वहां के लिए? व्हाट यू हैव प्लान फॉर योर इटर्नल लाइफ? मैं जनरल मैसेज दे रहा हूं, पूछ रहा आज खाली, आज और कल तो सिर्फ इसी में चलेगा, उसके बाद फिर मौत का जिक्र करूंगा कि रूह निकलती कैसे, रूह निकलते हैं प्रेम क्या है, रूह किसकी, रूह कैसे निकलती है, कैसे मरे पर मौत रूह लेता, उसके बाद वो हुस्न, वो कफन, उसके बाद एक कॉफिन, कॉफिन के साथ तुम्हें ये सारे टॉपिक्स दे रहा कभी मंगाई से, उसके बाद तुम ये कॉफिन में लेटे, तुम्हारा बेटा मेरा ओन सन, मेरा ओन सन तुम्हें कॉफिन में लुटाएगा, उसके बाद में लेके जाएगा, फ्यूनरल होम जाएंगे, ये इमाम बाजार में हुसन होगा, उसके बाद एक ऐसा ड्रेस पहनाएंगे कि वो ब्रांडेड ड्रेस नहीं, पूरी जिंदगी पूरी लाइफ लंदन में मैंने ब्रांडेड ड्रेस पहने, ब्रांडेड ड्रेस पहनना हराम नहीं, लेकिन अगर उसका हक दिया हुआ, हंस दिया हुआ, पाक पैसा, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग, यू कैन वेयर 1000 pound शर्ट। मैं मिसाल दे रहा, एग्जाम्पल दे रहा, पूरी लाइफ में ब्रांडेड ड्रेस में था, लेकिन अब लास्ट जर्नी का असल जर्नी में भी एटर्नल लाइफ शुरू हो रही, वो ब्रांडेड ड्रेस नहीं है, वेरी मामूली कॉटन का ड्रेस, वेरी ऑर्डिनरी, वो ड्रेस मेरा बेटा पहनाएगा, और पहना के मुझे ड्रेस में डाल के एक ऐसी जगह पे लेके जाएगा कि जहां मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता, इमेजिन भी नहीं, और मैं सबको बोल रहा है, गर्ल को बोल रहा है, लेडी को बोल रहा है, बॉय को बोल रहा है, मोमिन को बोल, जेंटलमैन को बोल, चार को बोल, औरत मर्द लड़की लड़का सबको एक ऐसी जगह लेके जाएगा, एक ऐसे रूम में लेके जाएगा कि वो जमीन के ऊपर नहीं है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से, लंदन में पूरे का मेरे घर है वो जमीन के ऊपर है, ब्यूटिफुल मेरे बंगलास, ब्यूटिफुल मेरे फ्लैट्स, ब्यूटिफुल मेरे अपार्टमेंट्स, लंबी अपार्टमेंट पूरा सजा हुआ मेरा अपार्टमेंट है, मेरा ब्यूटिफुल घर, रिमोट से तो मैं गेट खोलता हूं, रिमोट से मैं अपने डोर्स को खोलता हूं, आई गो इनसाइड, मेरी सिक्योरिटी है, पूरे घर ऊपर है जमीन के ऊपर, मैं जो बात कर रहा हूं अंडरग्राउंड की बात कर रहा हूं, ये 10 days में मैं अंडरग्राउंड की बात करने वाला हूं कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन अंडरग्राउंड, नीचे कोई लाइट नहीं है, फिर बोल रहा नीचे कोई करंट नहीं, कोई लाइट नहीं, नीचे एयर कंडीशन नहीं, नीचे का वेदर वार्म वेदर है, वार्म, कभी यूके वाले सोच नहीं सकते, अगर आपके पास 30-35 टेम्परेचर हो जाए तो सारे लोग बीचेस पे चले जाते, एवरीबडी रिमूव देयर क्लोथ्स, इट्स वेरी वार्म, इट्स वेरी वार्म, इट्स वेरी हॉट, नीचे व्हाट टू से, व्हाट टू से, व्हाट टू से, व्हाट टू से, सो डिफिकल्ट टू से, यू नो व्हाट, नीचे का टेम्परेचर कुछ का कुछ अंदाजा है, अल्लाह मुझे माफ करे, अल्लाह मुझे माफ करे, अल्लाह प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, नीचे 100 का भी टेम्परेचर, फायरिंग बॉल, फायरिंग बॉल, अभी बिल्ला भी नहीं बोला, मेरा मौला बोल रहा कि जहन्नम के हिस्से में से हिस्सा बन जाएगी तुम्हारी ग्रेव, द पार्ट ऑफ हेल बन जाएगी, यू डिसाइड व्हाट यू वांट, यू डिसाइड व्हाट यू वांट, मैं फर्स्ट डे बम्बार्डमेंट नहीं कर रहा, आई एम नॉट डूइंग एनी बम्बार्डमेंट, लेकिन जो मेरा मौला बोला वो, डोंट गेट स्केयर्ड, प्रिपेयर योरसेल्फ, ये मजलिस है, प्रिपरेशन की है, आई डोंट मीन, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड, कि सब ऐसे, नो 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 नो, मैं रिमाइंड कर रहा, एवरीबॉडी नो व्हाट आई एम सीइंग, मैं इसे एक रिमाइंड कर रहा, जैसे कुरान में अल्लाह रिमाइंडर स्पेशल, सब रिमाइंड कर, मैं एक मैसेंजर, मैं एक मैसेंजर हूं, आप मैसेज को कन्वे करना, जब वहां पर टेम्परेचर मोर देन हंड्रेड, यू कैन नॉट इमेजिन, यू कैन नॉट इमेजिन, हम सोच भी नहीं सकते नीचे का टेम्परेचर क्या है, सो हार्ड, एंड ऑल इट वेरीज, इट डिपेंड्स अबाउट योर अमाल, नीचे का टेम्परेचर तुम्हारे अमाल के ऊपर, जैसे अच्छे अमाल होंगे
एयर कंडीशन भी लग जाएंगे, रिवर्स आ जाएंगे, ट्रीज आ जाएंगे, पैलेसेस आएंगे। इंशाल्लाह ये वाकयात भी आएंगे, दो या तीन वाकयात पढ़ूंगा हमारे उलमा के नीचे क्या है। अदरवाइज सो हार्ड नीचे, इतनी छोटी सी 6 फीट की ग्रेव, हर आदमी को उसी के अंदर जाना है। किंग ऑफ द कंट्री वो मरेगा, उसके लिए नीचे को पैलेस नहीं बनाते, कोई पैलेस नहीं बनाते। उसी तरह से किंग ऑफ द कंट्री को भी लिटा दे, प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री भी बन जाता, एक लेबर डेली वेजेस का एक लेबर भी बन जाता। ये कमाल है पवन का, अदल का कमाल है। अल्लाह सो आदिल, सो जस्टिस है उसके पास। मेरा मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम ने एंटायर वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया तुम्हारे सामने, तुम्हारे बड़े बड़े पैलेसेस है। लंदन में एग्जाम्पल दे रहा, लंदन में बड़े बड़े बंगले, तुम्हारे बड़े बड़े घर, पूरे इतने बड़े बड़े घर। इमाम ने कहा कि अगर तुम्हारा जाती घर कोई नहीं है, डोंट यू ओन एनी हाउस, तुम समझ नहीं ये तुम्हारा है, लेकिन जैसी तुम्हारी मौत है तुम्हारी वाइफ निकाल देगी तुम्हारे घर से। यू आर लविंग वाइफ, शी विल से टेक हिम आउट, टेक हिम आउट, और निकाल देगी घर से। और जाना कहा है, एक ऐसी जगह पर जाना कि इमाम कहते हैं पूरी जमीन के ऊपर जो प्रॉपर्टी तुम ओन करते हो, जो लैंड तुम ओन करते हो, एकर्स ऑफ लैंड यू हैव गॉट इन यूके, बट रियल ओनर जो तुम लैंड के हो 6 फीट के, अल्लाह ने सबको 6 फीट दिए। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि पैसे वाला होगा तो इसके लिए 100 फीट दो, नो। अल्लाह ने कहा एक मिलियनर है वो भी 6 फीट में जाएगा, 6 फीट में जाएगा, एक लेबर है, मिस्कीन है, फकीर है, बेकर है, वो भी 6 फीट। हर आदमी को नीचे जाना है। अब जाना कैसे 6 फीट नीचे अंडरग्राउंड? मैं मेरा एक वाकया सुना, आई थिंक 8-9 ईयर्स पहले या 10 ईयर्स पहले, मैं रमजान में अलखुई सेंटर न्यूयॉर्क में था। रमजान 7-8 ईयर्स, आई डोंट नो एग्जैक्ट, 9/11 के बाद का वाकया है, आफ्टर 9/11 ये वाकया हुआ मेरे साथ, आई थिंक सेम ईयर था या नेक्स्ट ईयर। मैं लंदन में, सॉरी न्यूयॉर्क में अलखुई सेंटर पढ़ा था, जो क्वींस में वेरी फेमस सेंटर अलखुई सेंटर। तो वहां पे 15 डेज वहां था, फर्स्ट 15 डेज ऑफ रमजान, सेकेंड 15 डेज मुझे इंडिया आना था। तो मैं गया, रमजान पढ़ रहा था 7-8 रमजान को, शायद एक मम्मी ने मुझसे कहा कि मौलाना कैन यू कम फॉर इफ्तार, आई सेड ओके, फ्री का खाना मिलेगा कौन नहीं जाएगा, आई सेड ओके आई विल कम। तो मैं उस मम्मी के साथ इफ्तार पे गया, और इसका बिल्डिंग का भी जहां 9/11 का इंसिडेंट हुआ था, वो जो दो ट्विन टावर्स गिरे थे वहां पर, वही में बड़ी बिल्डिंग थी, और उसमें 60th फ्लोर या 50th फ्लोर पे इसका घर था, फ्लैट था, टॉप फ्लोर। वो हम गए लिफ्ट में, एक सेकंड में, दो एक मिनट में ऊपर चले गए 50th फ्लोर। ही ओपन द डोर एंड ही सेड, मौलाना सी माई ड्राइंग रूम, सी माई डाइनिंग, सी माई बेडरूम, सी माई रूम, सच ए ब्यूटिफुल फ्लैट, ब्यूटिफुल 3-4 रूम्स का अपार्टमेंट है, लवली टॉप फ्लोर, एंड यू शोइंग एवरीथिंग, डाइनिंग, ड्राइंग, सब। आई आस्क हिम, मैं उससे पूछा कि यार तू व्हाई यू केम सो टॉप, इतना ऊपर क्यों है, यही फ्लैट अगर तुम नीचे लेते फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे। ही सेड, मौलाना नीचे का फ्लैट 200, 300, 400,000 डॉलर, 500,000 डॉलर, आई पेड 1.5 मिलियन या 2 मिलियन डॉलर जस्ट टू गेट दिस फ्लैट। सेड वेरी गुड, 2 मिलियन डॉलर्स यू पे जस्ट टू गेट दिस फ्लैट? आई सेड बट व्हाई, व्हाई? उसका जुमला सुन, उसके वर्ड सुन, बस बिल्कुल मैं आखिरी से भी आगे 40 मिनट्स की मजलिस होगी, जो मुझे टाइम दिया गया उसी पे मैं खत्म करूंगा। 45 मिनट्स फजाइल, 5-10 मिनट्स मसाइल, 55 मिनट्स के अंदर खत्म करूंगा, 50 to 55। तो ही सेड के मौलाना सी माय फ्रेंड, आई सेड बट व्हाई यू आर हियर, तुमने नीचे 300,000, 400,000, 500,000 में लेना था। ही सेड मौलाना, उसका जुमला सुन, ही सेड मौलाना ऊपर रहने का प्लेजर ही कुछ और है, ऊपर रहने का प्रेशर ही कुछ और है, मैं सबसे टॉप पे हूं, पूरा न्यूयॉर्क नीचे, कंप्लीट एंटायर सिटी ऑफ न्यूयॉर्क आई कैन सी फ्रॉम हियर फ्रॉम माय टॉप।
down and I'm up. I said, very good, yeah. Paise walon ka mizaj hai, main millionaire nahi, I'm not a millionaire. Then, after 15 Ramadan, I came to Bombay to recite majalis. I think on 23rd Ramadan, yeah, 25th Ramadan, yeah, 26th Ramadan, mein, Bombay ka ek Bombay, hum ye khole rahe. He said, come on, can you come for iftar? I said, okay, why not? So, I iftar pe gaya. Free ka iftar mila, kon nahi jayega. And very delicious food. I went. You see, I'm in 23rd floor, he took me straight. 23rd floor. He never 23rd bar floor. At that same words he said, see my drawing room, see my dining room, see my bedroom. I asked the same question, jo many of you have been told. I said, tum yahi flat niche rehte? उसने कहा मौलाना नीचे का फ्लैट 8 लाख 9 लाख इंडियन रुपीज में 1 मिलियन में मिल जाएगा. आई पेड 100,000 रुपीज एक्स्ट्रा फॉर ईच फ्लोर. सो नाउ आई ऑन 23rd फ्लोर. तो 23rd फ्लोर के लिए आई पेड एक्स्ट्रा 23 लाख टू गेट दिस. बट आई सेड व्हाई सेम फ्लैट यू गेट डाउन तो व्हाट इज द डिफरेंस सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर. सेम वर्ड्स ही सेड सेम वर्ड्स. न्यू का डॉलर वाला मोमेंट और ये रुपये वाला फ्रीज वर्सेस सेम वर्ड्स. इसलिए ये पैसे का मिजाज होता है. जब किसी के पास डॉलर में कोई मिलियनर है उसका लहजा अलग होगा. पाउंड्स में है मिलियनर उसका लहजा अलग. यूरो का मिलियनर उसका लहजा अलग. इंडियन रुपीज में कोई मिलियनर उसका लहजा अलग. इसलिए आई हैव गॉट सो मच एक्सपीरियंस. आई मेट सो मेनी पीपल. इतना इतना पैसे का गुरूर है ना. पैसे का गुरूर है तकबुर. आई टेल यू कि नीचे फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव में ये गुरूर और तकबुर का ईगो का क्या हासिल होगा. वो आज तो मैं इंट्रोडक्शन में मेरा टाइम भी हो गया. मैं ज्यादा छेड़ता नहीं. कल कल से फिर जब डिटेल में जाऊंगा तो बोलूंगा. तो सेम वर्ड्स ही सेड जो न्यू का मोमिन बोल इससे भी हुई. व्हाट ही सेड. अरे मौलाना ऊपर रहने का प्लेजर ही कुछ और है. ऊपर रहने का प्लेजर ही मजा ही कुछ और है. मैं सबसे ऊपर हूं पूरा बॉम्बे सिटी नीचे. कंप्लीट मुंबई सिटी नीचे डाउन है मैं ऊपर हूं. सी उसके बाद मेरी मजलिस थी इमाम बारगाह. आई हैव गिवन दिस एग्जांपल देयर. आई सेड आई वेंट टू न्यूयॉर्क. आई एम कमिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क. आई वेंट टू न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क में गया तो पैसे वाले ने मुझे कहा कि मैं सबसे ऊपर हूं पूरा न्यूयॉर्क सिटी डाउन है. बॉम्बे आया तो उसने भी सेम वर्ड्स इस्तेमाल किए. मैं सबसे ऊपर हूं पूरा बॉम्बे सिटी में नीचे. मैंने कहा नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट 6 फीट डाउन. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट 6 फीट डाउन. सेम चीज मैं आपको बोल रहा हूं कि लंदन में बड़े बड़े बिल्डिंग में 100 स्टोरी 50 स्टोरी 40 स्टोरी 30 स्टोरी 20 स्टोरी बिल्डिंग में रहना कोई हराम नहीं. I'm very clear in my message. Don't misunderstand the first point. Koi haram nahi. Aap reh sakte. Aap 100 floors mein reh sakte. If you pay everything, khumus de rahe, zakat de rahe, agar zakat hai, rishtedar ke haq ada kar rahe, gareeb ki madad kar rahe, you can stay in 100 floor. No problem. You can drive Rolls Royce. Islam hota hai, tum poore facilities ke saath raho. Islam ye nahi bolta ki tum gareeb ghurbat mein raho. नेजुल बलागा का मौला का खुतबा है. नेजुल बलागा में मौला नहीं गए समय में आज नहीं बोलना चाहता. मेरा वक्त हो गया तो मैं आपसे यही बोल रहा कि मैं बात कर रहा आज मैं पूरे ऐशे में बात करूंगा ग्रेफ की 6 फीट डाउन क्या होने वाला है. रात कैसे शुरू होगी वहां की लाइफ कैसे होगी ये सारी टॉपिक है जो आज मैंने बोली. एक सलाह पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद. I'm so sorry. 50 मिनट्स के करीब मजलिस हो 45 मिनट्स के ऊपर मजलिस हो. मैं क्या करूं. मैं चाहता था कि मैं इसका नाम करूं कल से इंशाल्लाह ब्लाइंड जरूर दूं. कल से फ्रॉम टुमारो ईच एंड एवरी डे आई एम गोइंग टू गिव यू दुआस. तुम्हारी मैरिड लाइफ में रिस्क के लिए बिजनेस में ग्रो करने के लिए ये सारी चीजें नीचे का मतलब नीचे से रिलेटेड दुआएं वो दुआएं आगे की बात बोलता कि अपनी लाइफ में फॉरगिवनेस को पैदा करो. आज मैं बोल रहा कल इसके बाद बोलूंगा फॉरगिवनेस नीचे फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव में कितना काम आने वाली चीज है.
अपनी लाइफ में ये इंप्लीमेंट करो फॉरगिवनेस को। अगर आपकी जिंदगी में फॉरगिवनेस आ गई, इट मीन्स तुम सबसे ज्यादा कामयाब इंसान हो गए। तुम्हारी नीचे फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव बड़ी पीसफुल गुजरेगी। आपने गौर किया, इंसान की फिक्र के ऊपर है। आपको कभी आपने देखा कि बहुत पैसे वाले जिनके पूरे बिल्डिंग्स, आपने कभी देखा कि किसी ने अपने विल में लिखा है कि मुझे रूफ गार्डन में ले जाकर दफन करना, मेरी ग्रेव रूफ गार्डन में बनाना? कभी आपने सुना ये बात? कोई रूफ गार्डन में